ड्रेनेजचे घाण पाणी चक्क नगरसेवकाच्या दारात आणून नागरिकांनी ओतले। सध्या सोलापूर शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव हे दिवसेंदिवस वाढत आहे। अशातच भवानीपेठ मड्डी वस्ती येथील राहणारे नागरिक हे ड्रेनेजच्या घाण पाणीमुळे वैतागले आहेत। वेळोवेळी नगरसेवकांना सांगून देखील नगरसेवक याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे। यामुळे भवानीपेठ मड्डी वस्ती येथील संतापलेले नागरिक हे चक्क ड्रेनेजचे घाण पाणी हे प्रभाग क्रमांक 1 नगरसेविका राजेश रिकनकी यांच्या दारात आणून ओतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत। इलेक्शन को मतदान को चक्का आते बाद में कहीं कभी झुक को भी नहीं देखते उसको वीडियो भी देखते हम गटार निकालते सो रहते चैम्बर में हमारा इतना उतर को रोजा रोग हमारा इतना चैम्बर में उतर को खाने ऐसा रोजे महीने में सब गटार काटे में सब सर खान में होते हैं यहाँ जाना पड़ता है। मेरा नाम हमिता अखलाक फलाल है। हमारे इधर के चैम्बर ना हमेशा भरते रहते हैं और अब ऐसा चैम्बर भरे के बाद ना पूरा हमारे आंगन में पानी आता है और हमारा बच्चा अपंग है बड़े वाला और उसको जाने आने के लिए ना बाथरूम को जाने के लिए तकलीफ होती है तो मेंबर को कितने बार भी बोलते हैं तो आता नहीं तो हमको मजबूरन हम क्या करते हैं वो कंटिया को फ़ोन करते तो फिर वो भी बोलता है मैं भेजता है तो वो एक दो बार भेजता है फिर बाद में और वो गटार वाले आते नहीं फिर अब हम कैसा करने का मेंबर के पास गए तो वो आता जाता ये बोलता है मेंबर तो हमारे बच्चे को तकलीफ होती है। कब से समस्या आपको परेशानी है? अभी 8-10 साल तो हुआ। मेरा नाम सोहेल शेख है। तो यहाँ हर बारी जो है ड्रेनेज की तकरार हो रही है तो नगर सेवक को बोले तो आज बेचता कल बेचता होता जिस दिन पानी आएगा तो पूरा ड्रेनेज भर जाता तो ड्रेनेज का काम भी करना और रोड का काम भी करना तो ड्रेनेज के बारे में फ़ोन करे तो नहीं आते तो इससे विनती है कि भाई आते जाओ तो बोले तो नहीं आते तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ तो इसके लिए क्या है नगर सेवक को फ़ोन करेंगे तो 2-3 बार क्या बोलता उठाता नहीं फ़ोन करता नहीं कुछ भी तो अभी क्या है इलेक्शन आ रहा तो आ रहे देख रहे जा रहे खाली तो काम कर रहे कुछ भी नहीं तो काम करना ही विनती है हमारी। प्रभाग एक मस्जिद या परिसरात ड्रेनेज लाइन से खूब समस्या होता है। हा लाइन वारंवार भरत होता है कारण हा लाइन मध्य सारखी गाळ अडकत होते इथे काही चेंबर उघड्यावर असल्यामुळे काही लोकांचं ते माती वगैरे जाऊन ते शेण वगैरे इथं मटण स्टॉल असलेले सगळे मटण जे आहेत ते आत म्हणजे ते मटणातील सगळे घाण ते चेंबरमध्ये टाकल्यामुळे ते ब्लॉक झालतं ते ब्लॉक पूर्ण काढण्यासाठी आता अधिकाऱ्यांनी वारंवार ते काम केलं आहे पण ते काम काय सक्सेसफुल नव्हतं। आता सज्जना लेंगरीकर साहेब येऊन ते पूर्ण नवीन लाईन घालून द्यायचं आश्वासन दिलं जर ती लाईन नाही टाकले तर हे गाळ उचलून मी झोनमध्ये टाकणार।